सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के घर पर ईडी की रेड हुई। 8 घंटे तक ईडी की ये रेड चली। संजय सिंह जी के 4 कमरे के मकान को 8 घंटे तक ईडी ने एक एक कोने में छानबीन करी। किचन देख लिया, बेडरूम देख लिया, ड्राइंग रूम देख लिया, गेस्ट रूम देख लिया, लेकिन उनको 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का वहां पर नहीं मिला। कोई कैश नहीं मिला, कोई सोने के बिस्कुट नहीं मिले, कोई हीरे जवाहरात नहीं मिले, कोई प्रॉपर्टी के कागज नहीं मिले। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी संजय सिंह जी के घर से नहीं निकला। लेकिन फिर भी मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ भी नहीं मिलने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। आज ये समझने की जरूरत है कि जो संजय सिंह जी के घर पे रेड हुई, जो संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, ये आखिरकार क्यों हुई? जो ये रेड है, ये रेड सिर्फ संजय सिंह जी के घर पे नहीं हो रही, लेकिन हम देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो भी मोदी जी के विरोध में बोलता है, जो पार्टियां मोदी जी के विपक्ष में खड़ी होती हैं, जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, उन पर लगातार चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको मोदी जी ने उनके पीछे छोड़ दिया है। जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई, जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है कि एक तरफ अलायंस बन रही है, एक तरफ गठबंधन बन रहा है, एक तरफ इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी की रेड हो रही है, इनकम टैक्स की रेड हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के हथकंडे को इस्तेमाल किया जाए, अपनी हर एजेंसी को इस्तेमाल किया जाए और किसी तरह से इस इंडिया अलायंस को चुप करने की कोशिश की जाए, इनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाए, इनको डराने की कोशिश की जाए। अगर हम देखें तो ये रेड्स का सिलसिला अप्रैल से ही शुरू हो गया। 5 अप्रैल को इंडिया अलायंस के एक हमारे ही पार्टनर डीएमके के नेता एमके स्टालिन और उनके दामाद और उनके पार्टी के नेता सबारीसन और उनके पार्टी के कॉलीग सेंथिल बालाजी के घर में 5 अप्रैल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। कुछ ही महीनों के अंदर 16 जुलाई को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के यहां पर सीबीआई की रेड होती है। 20 जुलाई को शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के सुजीत पाटकर के घर पर और उनसे जुड़ी हुई कई लोकेशंस पर ईडी की रेड होती है। सुजीत पाटकर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 21 जुलाई को पी चिदंबरम कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व केंद्र सरकार के मंत्री, उनके घर पर, उनके ऑफिसेज में सीबीआई की रेड होती है। 2 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े हुए मामलों पर ईडी की रेड होती है। 24 अगस्त को एनसीपी के नेता शरद पवार, इंडिया अलायंस का एक और घटक दल, 24 अगस्त को शरद पवार के यहां पर ईडी की रेड होती है। 26 सितंबर को ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस
वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और इंडिया अलायंस का एक घटक दल की प्रमुख और मुखर नेता के यहां पर 26 सितंबर को ईडी की रेड होती है। 28 सितंबर को हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जो भी एक इंडिया अलायंस का घटक दल है, उनके यहां पर ईडी की रेड होती है। जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद दिल्ली के सर्विसेज बिल के विरोध में वोट डालते हैं, उसके अगले ही दिन उनके घर पर ईडी की रेड हो जाती है। तो ये पैटर्न क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इंडिया अलायंस से डर लगता है। ये ईडी और सीबीआई के रेड का, उनके सवाल जवाब का, उनके अरेस्ट का पैटर्न क्या दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव इंडिया अलायंस के सामने हारने वाले हैं। और उनकी ये जो हार की बौखलाहट है, ये पिछले एक हफ्ते में और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब वो हर ऐसे व्यक्ति को चुप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं जो मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। हमने 4 दिन पहले देखा कि इस देश के वरिष्ठ पत्रकारों के घर में ईडी की रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके लैपटॉप, उनके फोन सीज कर लिए गए। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी पर, मोदी जी की सरकार में बढ़ रही महंगाई पर सवाल उठाते हैं। उसके अगले दिन हमने देखा कि जब टीएमसी की मुखर नेता महुआ मोइत्रा जी जब कृषि भवन जाती हैं, वहां पर मोदी जी की पॉलिसीज पर आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करती हैं, तो दिल्ली पुलिस बर्बरता से उन्हें वहां से घसीट कर लेकर जाती है और उनको डिटेन कर लेती है। उसके बाद हमने देखा कि संजय सिंह जी के घर पर रेड होती है, 8 घंटे रेड चलती है, भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिलता, लेकिन संजय सिंह जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके अगले दिन 5 अक्टूबर को कांग्रेस के नेता आर.एम. मंजूनाथ गौड़ा के घर पर और उनसे जुड़े हुए ऑफिसेस पर ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस के नेता रथिन घोष के घर पर और उनके ऑफिसेस में ईडी की रेड होती है। 5 अक्टूबर को ही बीआरएस के नेता मगनाती गोपीनाथ के घर पर और उनके ऑफिसेस में इनकम टैक्स की रेड होती है। और उसी दिन 5 अक्टूबर को डीएमके के नेता एस जगत रक्षकन के घर पर और उनसे जुड़ी हुई ऑफिसेज के लोकेशन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड होती है। पिछले 5 दिनों में 8 जगहों पर जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, वहां पर रेड हुई। 20 से ज्यादा पत्रकारों के यहां पर रेड हुई। ये क्या दिखा रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर दिखा रहा है, उनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि वो किसी तरह से ऑपोजिशन पार्टियों को, इंडिया अलायंस के दलों को डराना चाहती है। यही स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कई सालों से अपना रही हैं। वो पहले जो उनके नेता उनके विपक्ष में खड़े होते हैं, उन पर ईडी सीबीआई के केस करते हैं और उसके बाद उनको ऑफर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में अजीत पवार धुल गए, पहले उन पर भी बाकी एनसीपी के नेताओं की तरह उन पर ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सारे उनके केस धुल गए, सारी इरिगेशन स्कैम में जो केसेस, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब खत्म हो गई। शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता, उनकी तथाकथित शारदा स्कैम पे, चिटफंड स्कैम पे भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में 2 चुनाव लड़ डाले, फिर उनको ऑफर किया कि भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाइए, वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे तो सारे ईडी सीबीआई के केस खत्म हो जाएंगे।
और जब से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके यहाँ पर एक बार भी ईडी की रेड नहीं हुई, एक बार भी सीबीआई की रेड नहीं हुई, एक बार भी क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उसी तरह से नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, भावना गावड़ी, बी एस येदुरप्पा, ये लिस्ट पेजेस दर पेजेस तक चलती जाएगी कि जो जो नेता विपक्षी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितने रेड कर लीजिए, आप चाहे कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी, आप चाहे जितनी रेड कर लें, चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर लें। थैंक यू। मैम, आप उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के लिए सामने आ रहे हैं कि इतनी रेड की गई, दूसरी तरफ से कुछ पार्टनर्स आपके भी लिए आ रहे हैं सामने, लेकिन कांग्रेस आपको नसीहत दे रही है और नसीहत देते देते कह रही है कि ये रेड गलत हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी गलत हुई है, लेकिन साथ ही कह रही है कि जो आप कर रहे हैं पंजाब में वो भी गलत। इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ हैं, इंडिया अलायंस के सारे घटक दल एक साथ रहेंगे और चाहे जितनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड होती रहे, लेकिन इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा कर रहेगा। मैम, अकाली दल ने एक बयान दिया है और मुख्यमंत्री और संजय सिंह के बयान बोला कि वो माफिया है, शराब कारोबार के, चाहे पंजाब में भी ऐसा किया है, फिर वाला मैं हर पार्टी के नेता जो इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगी कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपनी बहस करी है उसका जरा वीडियो देख ले, वो शायद यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स का लाइव टेलीकास्ट होता है, अगर हम उन प्रोसीडिंग्स को देख लें तो साफ नजर आ जाएगा कि ईडी के पास एक रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है। ये सारा तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला फर्जीवाड़ा है। अभी तक 15 महीने की जांच के बाद 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर लगाने के बाद भी ईडी सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं रख पाई। इस बार ईडी ये कह रही है कि 3 करोड़ रुपए संजय सिंह को दिए गए अलग अलग तारीख को, ट्रांजेक्शन का तरीका बता रही है, सीडीआर और डिटेल्स बता रही है कि वो एक तरह से मनी ट्रेल पहली बार वो सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये घोटाला शुरू हुआ था, इस पे बातचीत, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी इस तथाकथित घोटाले पे, तब वो कहते थे कि 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहने लगे कि नहीं नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहने लगे नहीं नहीं 300 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहा 50 करोड़ का घोटाला हुआ। अब ये कह रहे हैं 3 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन बाद कहेंगे कि संजय सिंह जी की जेब में 200 रुपए मौजूद थे जब उनका अरेस्ट हुआ, 200 रुपए का घोटाला हुआ है, 200 रुपए के घोटाले पे केस करेंगे। मैं तो ईडी को सीबीआई को चैलेंज कर रही हूं कि आप 1 रुपए के भी घोटाले का सबूत देश के सामने रख के दिखा दो, नहीं तो सारी ईडी सीबीआई के अफसरों को मैं कह रही हूं कि आप इस्तीफा दे दो और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता 10,000 करोड़ से 200 रुपए में आए हैं पिछले 1.5 साल में, वो सब भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दें। जब से इंडिया गठबंधन ने साथ, क्योंकि ये अलायंस जब से साथ आना शुरू हुआ, बातचीत होनी शुरू हुई, अप्रैल मई की बात है,
तब से मैंने जितने रेड्स हुए हैं उनके आंकड़े गिनवाए। दमदार होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी का किरदार अब तार तार होता हुआ जनता के सामने नजर आ रहा है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता है, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर है। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है, अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि एक कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो रहा है। यहां पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार के अनर्गल निराधार आरोप आम आदमी पार्टी लगाने का प्रयास करती है, तो हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसमें स्पष्ट रूप से, अब देखिए बहुत साफ है, पैसे का लेन देन, चुनाव में उसका प्रयोग, और उससे गंभीर बात है, साक्ष्य ये आए हैं कि पॉलिसी में चेंज इस आधार पर किया गया है और यह चेंज नीतिगत है। नीतिगत है तो इसका मतलब पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, विषय सिर्फ संजय सिंह जी का नहीं है। इसका मतलब हो गया कि नीतिगत निर्णय में पूरी पार्टी इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है यह शराब का घोटाला तो इनके लिए वैसा बनता चला जा रहा है कि एक तरफ इन्होंने पॉलिसी विड्रॉ की, मैं इस बात को पुनः रीएम्फेसाइज करना चाहता हूं, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली। क्यों विड्रॉ की अगर सब कुछ सही था? और विड्रॉ करने के बाद आप उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, और डिफेंड करते हुए आप उस दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि जैसे कर्म किए हैं आम आदमी पार्टी ने, अब वो पूरी चुनौती के साथ उनके सामने आ रहे हैं। यहां पे मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने निर्णय में पेज नंबर 10 के ऊपर जो लिखा है 15वें पॉइंट पे, जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि केस का आधार नहीं बनता है, उसमें बहुत स्पष्ट कहा है, हेंस इन प्राइमा फेसिया व्यू दिस कोर्ट द फैक्ट स्टेटेड दैट द मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट नोवेयर शोज दैट द सजेस्ट दैट इज अरेस्ट इन द प्रेजेंट केस इज अनवॉरंटेड एंड अनरीजनेबल। हिंदी में कह दें, अदालत ने प्रथम दृष्टया यह विचार किया है और यह माना है कि यह कहीं से भी यह नहीं दर्शाता है कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी अनवॉरंटेड और अनरीजनेबल है, यानी यह कहना कि अनापेक्षित है या अनावश्यक है यह उचित नहीं है, यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। आगे भी अगर आप देखें तो पेज नंबर 11 पे बहुत साफ साफ अदालत ने कहा है कि इन द प्राइमा फेसिया अपीयर्स दैट द मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट दैट दिस अमाउंट वाज डिलीवर्ड एट द रेजिडेंस, यानी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो आरोप लगे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सामने आए हैं कि आरोपी और नेता की भेंट हुई है, भेंट होने के बाद जो आरोप है पैसे की डिलीवरी का, वह भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के साथ मेल खाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे एक और पॉइंट कहना चाहूंगा कि जजमेंट के पॉइंट नंबर 13 को अगर आप पढ़ें पेज नंबर 12 पे, तो उसमें अंतिम दो लाइनों में कोर्ट ये कहता है, दो द वेरासिटी ऑफ दीज स्टेटमेंट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ ट्रायल ओनली,
बट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सच स्टेटमेंट हैज टू बी बिलीव्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन। उन्होंने कहा कि वास्तविकता में दोष का निर्धारण जांच के बाद होगा, पर प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं वो विश्वास करने योग्य और कार्रवाई शुरू करने योग्य नजर आ रहे हैं। तो अब इसमें कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। आगे भी बिंदु क्रमांक 14 में कोर्ट कहता है द मटेरियल प्लेस बिफोर द कोर्ट एंड इट्स डायरेक्ट नेक्सस विद द एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्राइम एंड द प्रेजेंट केस बाय वे ऑफ रिसीविंग द अबव अमाउंट ऑफ ₹2 crores हैव बीन शोन हिज सस्टेन्ड एंड कस्टोडियल इंटोग्रेशन अपियर्स नेसेसरी। अर्थात न्यायालय ये कह रहा है कि जिस प्रकार के साक्ष्य आए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो तथ्य सामने दिखाई पड़ रहे हैं उनके अनुसार यह हिरासत में रखकर पूछताछ नेसेसरी अर्थात आवश्यक प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो आम आदमी पार्टी जो भारत की राजनीति में मूल्यों की राजनीति स्थापित करने का दावा करके आई थी वो सबसे मूल्यहीन पार्टी दिखाई पड़ रही है। और मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा अब एक के बाद एक नेता जिस प्रकार से उभरते चले आ रहे हैं इसमें तो ऐसा लगता है कि दारू के दरिया में पता नहीं कितने डूबे और उतराए हुए हैं। और मुझे तो वो पुराने गीत की पंक्ति याद आ जाती है, एक निकल रहा है मंत्री, फिर दूसरा डिप्टी सीएम, फिर तीसरा संसदीय दल का नेता, और अभी आगे अल्लाह जाने क्या होगा आगे। तो मुझे वह पंक्ति याद आती है जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो ये दीवाना गजब ढा गया। मतलब अब एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अब यह देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है, फूड फॉर थॉट है। जो लोग राजनीति में नए प्रयोग की बातें करते हैं यह एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का दौर अब नहीं है। भारत प्रखरता के साथ दृढ़ता के साथ नई भूमिका को निभाने के लिए जहां विश्व पटल पर उभर रहा है, यहां ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के प्रयास होते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स का परिणाम कितना दुखद और देश के लिए खतरनाक हो सकता है और उन प्रयोगों के चेहरे पर चढ़ा हुआ मुखौटा कितनी जल्दी उतर सकता है यह भी समझना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है और देश की प्रबुद्ध जनता इसे समझ रही होगी। धन्यवाद। देखिए वो वैसे तो किस किस स्पीच में क्या क्या कहते रहते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करना वो है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो आप उनसे ज्यादा पूछें तो ज्यादा बेहतर होगा, कांग्रेस वालों से। हाँ इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आज जो भी हालात है, यद्यपि यह बात मैं एक बार मैंने संसद में भी कही है, मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए। मैं ओबीसी जैसे लोगों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब यह देश स्वतंत्र हुआ तो जिनको आज माइनॉरिटी कहते हैं उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनके राजे रजवाड़े थे? कोई जैन रियासत थी क्या? कोई क्रिश्चियन रियासत थी या पारसी रियासत थी या यहूदी रियासत थी? इक्का दुक्का महाराजा पटियाला वगैरह को छोड़ दें तो बस एक दो ही सिख रियासतें थी और लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी, नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम। तो फिर क्या हो गया भाई? आप तो सुल्तान आलम थे, हुजूर नवाब थे, क्या हो गया? इसलिए मैं जो बात बोल चुका हूं ओबीसी जी को समझना चाहिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए।
क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। कैन यू रिपीट? एक्चुअली मैं कैन यू पॉइंट आउट एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट विच इज नॉन कंट्रोवर्शियल? देर आर सर्टेन लीडर्स हु लिव अप देयर पॉलिटिक्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रोवर्सी। कहा? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का वातावरण है और पुलिस का जिस प्रकार का दुरुपयोग है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट को उन्होंने मर्डरर टाइप कहा है, कोर्ट में भी गए हैं। तो भाई, हमारी बात पर यकीन ना हो तो अपनों की बात पे तो यकीन कर लें। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार विपक्ष को दिखाई नहीं पड़ता है तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ अत्याचार अनाचार तो देख लीजिए। मगर क्या करें कि मोदी विरोध का इतना इश्तेहार आंख पे चिपक गया है कि अपनी कार्यकर्ताओं का भी उनको अत्याचार दिखाई नहीं पड़ता। वैसे उन्होंने हैदराबाद की बात कही, आज तक हैदराबाद में हमारा शासन एक दिन भी नहीं रहा है और उनका तीन तीन पीढ़ियों से वही हैदराबाद को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। और हैदराबाद में वो घटनाएं होती थी जब विदेश से लोग आते थे और 10-10, 12-12 साल की मुस्लिम बच्चियों को टेक्निकली कहा जाता है कि शादी के नाम पर ले जाते थे और बेचने की, व्यवहारिक दृष्टि से वो बेचने की बातें होती थी। उसके लिए क्या बोले आज तक, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक भी दिन शासन न करने वाली भाजपा या लगातार 75 साल शासन करने वाले सो कॉल्ड सेकुलर दल या पिछले तीन पीढ़ियों से उस इलाके में की नुमाइंदगी कर रहे आली जनाब सरताज सेकुलर सियासत असदुद्दीन ओवैसी? देखिए, कहना नहीं चाहिए, कौन कैसे बदलता है। अब मुझे तो याद आता है कि जब विवादित ढांचा गिरा था तो उस रात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का वक्तव्य कि उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप पे आरोप है कि आपके शिव सैनिकों का इसमें हाथ है, तो उन्होंने कहा यदि यह है तो मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे नेता डिफेंसिव थे, बाला साहब ठाकरे जी ने यह बात बोली थी, मगर आज तो आप उनके साथ खड़े हो गए जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। तो भाई, कौन राम के साथ है, कौन रावण के साथ है, कौन धर्म के साथ है, कौन अधर्म के साथ है, कौन अपने पूर्वजों की विरासत के साथ है और कौन उनके पूर्वजों की विरासत के साथ है, जनता को दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है बिहार सरकार का अंदरूनी मामला है तो इस बात का जवाब वहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। यदि उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं के प्रतिनिधि लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो मुझे लगता है इससे उनकी विश्वसनीयता पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। देन नाउ देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन ऑन इट्स क्रेडिबिलिटी व्हेन देयर ओन पार्टीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन दिस इशू।
The fact of the matter is that since several months, former Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia ji is under jail, and that too with a proper judgment of the court. As far as there is some comments are concerned, तो मैं तो कहना चाहूंगा इनके लिए तो केजरीवाल जी कहते हैं भारत रत्न देना चाहिए. अब एक से एक कैसे कैसे रत्न निकल रहे हैं आपकी पार्टी में वो दिखाई पड़ रहा है. अब ये रत्न वाले ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी धूल क्या हमारे ऊपर हट रही है या नहीं. ये उनकी बेबसी और जो उनकी वास्तविकता में भ्रष्टाचार में डूबे होने के बावजूद अब उन्हें साफ नजर आ रहा है कि हम बाकी चीजों से बच नहीं सकते, तो मुझे लगता है वो कोशिश कर रहे हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा. मगर मेरा मानना है लेट द फाइनल जजमेंट कम विद द प्रॉपर एविडेंस एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, देन वी शुड कमेंट ऑन एनीथिंग. प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई आज से थोड़ी चल रहा है, 2007 से जब सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला था मौत के सौदागर शब्द, तब से चल रहा है. और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आपको पता ही है, जब उनसे पूछा गया था विदेश में कि आपने, अब तो 9.5 साल हो गए, उस समय शायद 6 ही साल हुए थे, कि आप 24/7 काम करते हैं तो इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं, तो उन्होंने यही जवाब दिया था ना कि रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उससे ऊर्जा पाता हूं, फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं. तो वो जितना भी मोदी जी के लिए नफरत देते चले जाते हैं उतनी ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है. तो विपक्ष ये सोचता है कि वो नफरत के द्वारा इलाज कर लेगा, तो मर्ज उनके दिमाग में है, वो इलाज नहीं हो रहा है. इलाज ये हो रहा है कि मोदी जी के लिए मोहब्बत बढ़ रही है जनता की नजर में. तो वो जो पुराना शेर है उसको घुमा के मैं कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर, लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की. देखिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे वास्तविकता में 70% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको किसी न किसी योजना का कोई ना कोई प्रभाव लाभ जरूर मिला है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा भिन्न भिन्न गरीबों की योजनाएं ली गई. मगर मुस्लिम सत्ता से दूर नहीं हो रहा है. सत्ता की सरमाएदारी और जागीरदारी चंद कट्टरपंथी लोगों ने मुस्लिम समाज की जो अपने हाथ में कर ली थी, अब मुस्लिम समाज में भी जागरूकता आ रही है तो उनकी जागीरदारी हिल रही है, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि अभी तक वो जिस ढंग से लोगों को अपने पीछे चला रहे थे, अब समाज के अंदर भी जागरूकता आ रही है. तो डरने की जरूरत किसी समुदाय को नहीं है, डरने की जरूरत उन जागीरदारों और सरमाएदारों को है जिन्होंने मुस्लिमों को मजलूम रखते हुए अपनी दुकानदारी और सरमाएदारी बहुत बड़ी बना के रखी. वैसे दुकानदार एक और भी है ना जो दुकान लगा के चलते हैं, तो वो भी उस दुकानदारी में शामिल.